हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो लास्ट क्लास में हम लोग अध्याय 4 सारणी के बारे में चालू कर चुके थे। मैं बोला ये बेसिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले क्लास में देखो मैं परिचय बता दिया था, मस्त आप लोग को एग्जाम्पल बताया, रो कॉलम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने बताया, 1/1 का कोटि, 2/2 का कोटि बताया, फिर इसके क्वेश्चंस करवाया मैं, और उसके बाद 3/3 का कोटि ये मैं आप लोगों को समझाया था और यहाँ पे क्लास में एंड किया था। अब इससे आगे की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखते रहना। अब मैं बता रहा हूँ सारणिकों के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा। और बिना प्रॉपर्टी लगाए 4 अंक के क्वेश्चंस आप लोग नहीं बना सकते, और अगर बना भी लोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर 4 नंबर अगर जो देगा ना, वो यहां से मिलेगा आपको 4 नंबर। तो पहले क्लास में मैं बेसिक करवा दिया, अब दूसरे क्लास में आप लोग को 4 नंबर देने वाला चीज बता रहा हूं। तो 4 नंबर पाना है ना, तो इसके पहले वाले क्लास का जो बेसिक है ना, उसको समझ के आओ, तभी तो यहां पे आप टिक पाओगे। तो चलो ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। यहां पे क्या बोल रहा है, किसी सारणी की पंक्तियां तथा स्तंभों को परिवर्त, परिवर्त का मतलब मालूम है, आव्यूह में बताया था, परिवर्त करने पर सारणी का मान अपरिवर्त रहता है। मतलब अगर मैं एक सारणिक लिया 1, 2, 3 यहां पे 7 ले लो, 7 एक सारणिक लिया, ठीक है। अब इसका सारणी का मान क्या आएगा, 2/2 का है, तो 1 × 7 मतलब 7 माइनस 2 × 3 = 6, तो सारणिक का मान आया 1, सारणिक का मान आया 1। अब मैं इसको परिवर्त कर रहा हूं, परिवर्त का मतलब क्या होता है, परिवर्त को यहां पे a डैश या a की पावर स्मॉल t या a की पावर कैपिटल t से शो करते हैं, ये आप लोग को आव्यूह में पढ़ाया गया। परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो पंक्ति में दिया हो उसे स्तंभ में लिख दो, जो पंक्ति में दिया है उसको स्तंभ में लिख दो। तो देखो पंक्ति में क्या दिया है, 1 और 2, तो यहां पे स्तंभ में लिख दो 1 और 2। यहां पे पंक्ति में दिया है 3 और 7, तो स्तंभ में लिख दो 3 और 7। क्लियर है क्या? अब देखो, अब इसका अगर सारणी का मान मैं निकालूं, यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो ऐसा, ये ठीक है। अगर मैं इसका मान निकालूं तो क्या होगा, 1 × 7 से तो 7 माइनस 3 × 2 से तो 6, तो क्या आया सारणिक a डैश का मान क्या है, 1। ये देखो इसका भी मान आया 1। तो आप लोग सारणी a का मान जो भी आएगा आपका, अगर उसका आप ट्रांसपोज कर देते हो, उसको परिवर्त कर देते हो, तो जो भी मान आएगा ये दोनों मान क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, ये देखो भाई ऐसे शो करना, इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हो कि पंक्ति को आप लोग बताओगे, जैसे मैं आप लोग कर रहा हूं, यहां पे मैं सारणिक ए लिया, ठीक है, 1, 2, 0, 1। मेरे को ना ऐसे करने का मन नहीं है, मैं चाहता हूं कि 1 और 2 कॉलम में रहे, 0 और 1 कॉलम में रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये जो पंक्ति है R1, इसको मैं C1 में बदल रहा हूं, और पंक्ति R2 को C2 में बदल रहा हूं, ये बताना पड़ेगा आपको। फिर क्या करोगे, देखो पंक्ति R1 है उसको C1 में बदल दो, तो 1, 2 हो जाएगा, जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख दिया, ये R2 है इसको मैं C2 में बदल दूंगा, मतलब 0 और 1। ये अब मैं सारणी निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1, 0 × 2 = 0, तो क्या आएगा, 1 − 0 = 1। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सारणी निकाल दो ना, अगर आपको ये नहीं करना है, आप बोलोगे सर मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं क्या डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट कर दो ना, आप लोग डायरेक्ट कर दो, 1 × 1 = 1, 2 × 0 = 0, तो क्या आया आंसर तो वही आया। कहीं पे गुणधर्म आपको कभी पूछ दिया तो बता देना भाई कि अगर पंक्ति को आप कॉलम में चेंज करते हो, या कॉलम को पंक्ति में चेंज करते हो, या फिर उसका परिवर्त करते हो, तो सारणिक के मान में क्या फर्क पड़ता है, आप बोलना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मैं बस यही बताया, तो आप अगर परिवर्त कर रहे हो ना, तो आप लोग को बताना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं क्या हेर फेर किया हूं, आप क्या हेर फेर किया हो,
कि R1 को C1 में बदले हो, ये देखो R1 को C1 के साथ इंटरचेंज किए, इस R2 को C2 के साथ बदले, तो बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म देखते हैं, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्त कर दिया जाता है तो सारणी का चिन्ह बदलता है। ध्यान से देखो क्या बोला है, कोई दो पंक्तियां बोल रहा है, ध्यान से देखो, अब ये 3x3 का हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, अब 2x2 का नहीं लूंगा, तो 2x2 का ही है ना वो, तो चलो 2x2 का लेता हूँ, ये देखो अगर मैं लिया 2x2 का लेता हूँ, 3x3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक और ये दो, ठीक है। तो इसका सारणिक क्या आएगा, इसका सारणिक क्या आएगा, 2×2=4 -1×1 ये आया 3, ध्यान से देखना। अभी मैं परिवर्त नहीं कर रहा हूँ, परिवर्त क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना होता है, अभी परिवर्त नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये R1 है और ये R2, मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 को चेंज कर रहा हूं, R1 और R2 को चेंज करके लिख रहा हूं, तो देखो यहां पे R1 और R2 को चेंज करके लिखो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को चेंज कर दो, तो R2 को ऊपर कर दो, R1 को नीचे कर दो, तो ये 1×2 होगा, R2 को ऊपर कर दिया, R1 को नीचे कर दिया, ये 2×1, तो देखो सारणी का मान कितना आएगा, 1×1=1, अब -2×2=4, तो क्या आया सारणी का मान, 1 - 4 क्या होता है, -3, तो देखो चिन्ह बदल गया, ये वही बोल रहा है, यदि एक सारणी में दो पंक्ति, अभी मैं दो पंक्ति को बदला हूं, दो स्तंभ को बदलोगे तो भी होगा, को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, तब सारणी का चिन्ह परिवर्त हो जाता है, तो ये सारणिक का चिन्ह का मतलब है सारणिक का मान, ये देखो सारणिक का जो मान आया ना उसका चिन्ह परिवर्त हो गया, पहले क्या था 3 था, अब -3 हो गया, सेम आप कॉलम को भी करोगे तो हो जाएगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हो, अगर एक क्वेश्चन दिया 1, 2, 3, 4, अगर आप इसको उल्टा करके लिखना है, हमारी मर्जी, इसमें बोल दिया भाई चल सारणिक का मान बता, आप चाहते हो कि मैं दोनों को पलट के लिखूं, हमारी मर्जी, हम पलट के लिखेंगे, तो क्या करोगे, आप बताओगे कि मैं R1 को R2 से चेंज कर रहा हूं और R2 को R1 से चेंज कर रहा हूं, R1 से चेंज कर रहा हूं, तो ये A, तो क्या आ जाएगा, ये 3, 4, 1, 2, ये ए सारणी के, यहाँ पे ऐसा करो या ए लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कर रहे हो ना, 3×2=6, 4×1=4, आंसर आया 2। आपका चेकर गलत नहीं करेगा जब आप ये बता दिए तो, अब कई बच्चे होंगे जो ऐसा है डायरेक्ट करेंगे, इसको परिवर्त नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, परिवर्त तो दूसरा हो गया, ट्रांसपोज हो गया, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, R1 R2 और R2 R1, तो कोई इसी से ही कर देगा, तो इसी से ही कर देगा तो क्या आएगा, वो डायरेक्ट गुणा कर देगा, 1×4 - 3×6, तो कितना आया -2, देखो दोनों का चिन्ह परिवर्त है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर का चिन्ह परिवर्त होगा जब आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो ये भी आपका उतना काम का नहीं है, पहला गुणधर्म और दूसरा गुणधर्म, बस आपको ध्यान रखना, जब आप ट्रांसपोज करते हो, पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हो, तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता, गुणधर्म एक, गुणधर्म दो बोल रहा है आप पंक्ति को पंक्ति से चेंज कर दो या कॉलम को कॉलम से चेंज कर दो, तब आपका क्या हो जाएगा, आपके आंसर का चिन्ह बदल जाएगा भाई। तो ये गुणधर्म दो की बात हुई, तो हम लोग को ये करके बताना है, इसको संक्रिया बोलते हैं, करके बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि एक सारणिक का कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान 0 होता है, करके देख लेते हैं क्या बोला ये, अगर कोई सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ, चलो दो पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, समान कर लेते हैं, एक 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 एक, दो पंक्ति समान हो गया, इसको कुछ दूसरा लिख देते हैं 2, 3, 4, तो आप लोग देख रहे होंगे दोनों पंक्ति क्या है, समान है, तो इस सारणिक का अगर मैं मान बोलूँ ना तो आंख बंद करके 0 लिख देना, अभी बताऊंगा 0 कैसे आएगा, 0 ही आएगा, ये आप लोग को इक्वल दिख रहा है कि नहीं बताओ, ये देखो ये आप लोग को इक्वल दिख रहा है कि नहीं, ये हुआ R1 और ये हुआ R2,
ये हुआ R1 देखो कैसे खसकता है ना, और ये हुआ R2। अगर ये समान है तो सारणी सीधा जीरो लिख दो, सीधा जीरो। आप ऑपरेशन करके खोल के देख लेना, अभी आप करेंगे मैं भी नहीं बता रहा। अगर मैं बोलूं कि दो कॉलम भी इक्वल है, 2 2 2 1 2 3 यहाँ पे 2 2 2, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 इक्वल है। तो जब कभी भी दो पंक्ति सेम दिखे जीरो मार दो, जब कभी भी दो कॉलम दिखे तो सारणी का मान जीरो मार दो। आप इन लोग को खोल के देख लेना, आपका जीरो ही आएगा। तो ये गुणधर्म 3 बोला। तो गुणधर्म 1 क्या है मेरे सामने बोलो, कि आप लोग पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दोगे तो सारणी का मान वही होगा, परिवर्त कर दोगे तो। गुणधर्म 2 बोलो, अगर रो को रो से आप लोग चेंज कर दिए, कॉलम को कॉलम से आप लोग चेंज कर दिए तो सारणी का मान माइनस लग जाता है। गुणधर्म 3 क्या बोल रहा है, अगर दो पंक्तियां सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो सारणी का मान जीरो हो जाएगा। तो गुणधर्म चार नहीं है, टिप्पणी है, एक टिप्पणी बता रहा हूं। पहला टिप्पणी देखो, हम एक सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्यों, अब मैं बोल रहा हूं ये जो है कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं इसका संक्रियाएं नहीं लगाऊं तो इसको कैसे करके सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं धन लगाया, 2 को टारगेट किया, इस 2 को लूंगा तो मैं इसको नहीं लूंगा और इसको नहीं लूंगा, तो क्या बचा, 4 2 4 2 2 3 ये हुआ। अब माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, अब मैं क्या कर रहा, इसको टारगेट किया तो लिख दूंगा ये टारगेट किया, अब इसको नहीं लूंगा, तो क्या बचा, 3 2 1 3 3 2 1 3 ये। अब किसको टारगेट करने वाला हूं, धन का चिन्ह लगाओ, इसको टारगेट करने वाला हूं तो इसको और इसको नहीं लूंगा, क्या लूंगा, 3 4 1 2। तो पहले इसको टारगेट कर रहा हूं उसको, तो लिखो 3 4 1 2। अब सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 2 4 3 12 2 2 4 -4 3 3 9 2 1 2 +6 3 2 6 4 1 4 क्या आया, देखो 2 10 में से 4 गया 8 -4 9 में 2 गया 7 +6 6 में से 4 गया 2 तो क्या आया आंसर, 8 2 16 -7 4 28 +6 2 12 तो कितना आएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28, तो ये जीरो आ गया, आंसर हमारा जीरो आ गया। चलो ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन फिर भी थोड़ा सा इजी है। अब अगर मैं टिप्पणी की बात करूं, एक उभयनिष्ठ को कॉमन निकालूं, एक पंक्ति से, यहां पे देखो, एक पंक्ति से कॉमन निकलेगा या एक स्तंभ से कॉमन निकलेगा, कहीं से भी नहीं, एक पंक्ति या एक स्तंभ से। इसमें ध्यान से देखो, इस पंक्ति में से क्या आप लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हो, क्या 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, 2 को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी देखते रहना ना। 2 को कॉमन निकाला, 2 से 2 को कॉमन निकाला तो बचेगा 1, 4 से 2 को कॉमन निकाला तो बचेगा 2, 6 से 2 को कॉमन निकाला तो बचेगा 3, ठीक है। अरे भाई ये इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1, 2 को कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 4 को, तो 2 को कॉमन निकाला तो 2 बचेगा, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 को कॉमन निकाला तो 3 बचेगा। अब वैसे ही लिख दो, ध्यान से देखते रहना, 3 4 2 यहाँ पे क्या है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे एक चीज आएगा ना, उसको मैं बताऊंगा। अब देखो क्या होगा, अब मैं पहली पंक्ति को टारगेट कर रहा हूँ तो 1 को लिख दूंगा, क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, ये और ये नहीं लूंगा तो ये मेरा सारणिक में आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 3 12 ये वाला लाइन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये वाला लाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 3 12 2 2 4 फिर ऋण करूंगा इस 2 को टारगेट करा मैं, तो क्या इसको नहीं लूंगा, 3 3 9 -2 फिर प्लस लिख दिया, इस 3 को टारगेट किया, ये नहीं लूंगा, ये सारणिक के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, 3 2 6 3 2 6 4 1 4 बस ध्यान से बस देखते रहो।
बस ध्यान से बस देखते रहना, ये हो जाएगा 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, माइनस 2, 9 में 2 गया 7, प्लस 3, 6 में से 4 गया आएगा 2। यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो गया 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है मेरा 14, तो ये भी आ गया 0। ठीक है, उभयनिष्ठ में कॉमन निकाल लिया। हाँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, वो जब गुणा उड़ा करूँगा तो मैं बताऊँगा। ये देखो वही आ गया, ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे वही आ गया आंसर। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा, अभी वो क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखते रहना, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो को तो कॉमन निकाला हूँ ना मैं, दो को कॉमन निकाला हूँ, याद है, दो को कॉमन निकाले हो, तो दो को कॉमन निकाले हो तो भाई लिखना तो पड़ेगा ना, दो को कॉमन निकाले हो। एक्चुअली मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला था, फिर बताने वाला था, चलो यहीं पे बता देता हूँ। जब मैं दो को कॉमन निकाला तो ये दो को मैं ऐसे लिखूंगा ना, यहाँ पे दो को लिखना तो पड़ेगा, कैसे, दो को लिखना पड़ेगा, ये हटाओ, ये पूरे दो को, दो को यहाँ पे लिखते जाओ, ये दो लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी दो लिखाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ पे दो लिखाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करो, फिर यहाँ दो लिखाएगा, फिर 2 × 0 क्या हो जाएगा, अंत में 0 ही आएगा। तो ध्यान से देखना, तो देखो ऐसे करने से क्या हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हुआ। अब इसकी बात करता हूँ, इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें कॉमन निकाल के करते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या कॉमन निकालूँ, ये देखो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है 2, यहाँ से भी, यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा है, एक रो या एक पंक्ति से कॉमन निकालना, तो मैं इस पंक्ति से कॉमन निकाल लिया 3, तो ये 3 को मैं कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं लिख लिया 3। अब क्या लिखूंगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, और इसको बाकी वैसे लिख दो, 1, 2, 3, 8, 6, 2, 8, 6, 2। अब इसको आप करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सारणी के, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कर पा रहे हो क्या, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 3 ऐसे ही रहेगा, इस 1 को टारगेट किया, धन 1 लिख दो, ये और ये नहीं लिखूंगा, तो 2 × 4, 2 × 4 माइनस 6 × 3 = 18, फिर ऋण डाल दो, इसको टारगेट किया मैं, 1 लिख दो, ये और ये नहीं लिखूंगा, तो 2 × 4 और 6 × 3 = 18, ये 18 लिख दिया, प्लस अब इस 8 को टारगेट किया, 8 को टारगेट किया, ये और ये नहीं लिखूंगा, तो 2 × 6 माइनस 3 × 6, ये हुआ। तो देखो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 3, 4 − 18 कितना होता है, -14, -4 − 18 क्या होता है, -14, ये -14, -14, प्लस ये 6 × 6 0 होगा, 0 × 8 क्या होगा, 0 होगा, तो ये क्या आया सारणिक, ए क्या आया मेरा, ये आया 3, -14, -14 होता है -28, और 28 दिया, माइनस में आएगा आंसर, प्लस माइनस माइनस, 8 × 16 = 24, 4 × 2 = 3, 2 × 6 = 7, 8 ये आया -84। कब, जब मैं ऐसे कॉमन निकाल के किया तो। अब देखो अगर मैं कॉमन नहीं निकालता हूँ, कहीं से भी संक्रिया लगा लो, हम लोग क्या करें, पहले पंक्ति से लिखा लेते हैं ना, पहले पंक्ति से ही निकालता हूँ मैं, तो देखो क्या आएगा, मैं कॉमन बिना निकाले कर रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, कॉमन बिना निकाले कर रहा हूँ, देखना थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं किसको टारगेट किया, इस 3 को टारगेट किया, -3, ये और ये नहीं लूँगा, 2 × 4 -6 × 12, 6 × 18, फिर माइनस इस 1 को टारगेट करूँगा, ये और ये नहीं लूँगा, 6 × 12, 6 × 12 और ये 6 × 54, 6 × 54, फिर प्लस ये 8 को टारगेट किया, 8, ये और ये नहीं लूँगा, तो 6 × 12, 6 × 18 और 9 × 18, ये देखो ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये 18 में 4 गया, -14, ये माइनस है, यहाँ पे कर दो कोई बात नहीं, 12 − 54, ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हुआ ना, 12 − 54 करना पड़ेगा, तो 4 में 2 गया 2, 5 में 1 गया 4, कितना बचेगा 42,
माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, फिर क्या है 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली बचा क्या 14 इंटू थ्री। अब देखो 14 का पहाड़ा एकदम याद थोड़ा रहता है, 14 इंटू थ्री करेंगे, तीन चार तिया 12 का दो हाथ में आइए, तीन एकम तीन और एक चार, 14 तिया 42 माइनस में आएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आया 42। यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई, देखो भाई गलती पहचानो, यही वाला कर रहे थे हम लोग, यही वाला कर रहे थे हम लोग, 3 2 9 ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 3 2 4 6 18 माइनस एक 6 2 12 6 9 54 ओके, ऐसे करके 6 3 18 6 12 6 3 18 9 1 9 9 2 18 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होगा -14 12 में ये गया, ये 44 और 42 -42 ओके, ये भी क्लियर है, और प्लस ये, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 15 या 45 ये हो गया 42 माइनस माइनस दिस, तो सारणिक ए का आंसर आया 0, सारणिक ए का आंसर आया 0। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे भी 0 आएगा, ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा, वही तो आंसर सेम आता है भाई। यहाँ पे ध्यान से जो भी बच्चे इसको पकड़ पाए थे जबरदस्त, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3 ब्रैकेट में ये -14, ये -14 माइनस और माइनस प्लस, ये +14, तो -14 + 14 कट के 0 हो गए, तो ये हो जाएगा 3 × 0 ये आ जाएगा 0, 0 का गुणा किसी से भी करो, तो देखो आंसर सेम मिला, ये भी 0 मिला, ये भी 0 मिला, बट फर्क क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं, इसमें बिना कॉमन निकाले करा था तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, 14 का पहाड़ा आ गया, 54 में से 52 घटाना था, हाँ ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन कॉमन निकालने के कंपैरिजन में इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है। अभी तो फिर भी छोटे अंक है, जब बड़े अंक आएंगे तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए कॉमन निकालते हैं। तो देखो एक चीज़ और बताया मैं, यदि एक सारणिक, टिप्पणी 2 है, यदि एक सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो उसका मान 0 होता है। देखो संगत अवयव समानुपाती का मतलब ये क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो, संगत अवयव समानुपाती का मतलब, आप लोग इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, क्या मैं यहाँ से दो कॉमन निकालूँ तो ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो मैं इसको दो अवयव को कॉमन, यहाँ पे यहाँ से दो को कॉमन निकालता हूँ, तो इसको तो ऐसे ही लिखो 2 4 8 यहाँ पे 3 2 1 अब यहाँ से दो कॉमन निकाला, ये दो कॉमन निकाला तो बाहर दो लिखा, 4 में से दो कॉमन निकाला तो 2, यहाँ से दो कॉमन निकाला तो 4, 16 में से दो कॉमन निकाला तो क्या आएगा 8, तो क्या बोल रहे हैं उसका मान 0 होता है, होगा ना, क्योंकि हम लोग एक और गुणधर्म पढ़े थे, जब कोई दो पंक्ति या स्तंभ इक्वल हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो ये 2 को 2 लिख दूंगा और इस सारणिक को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान 0 आएगा और 2 × 0 0 हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं किसी दो पंक्ति या दो कॉलम का मान सेम हो तो वो 0 होंगे, हाँ होंगे, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर संगत अवयव समानुपाती हो, मतलब आप लोग देख लो कि कॉमन निकाल के या गुणा करके दो पंक्ति या दो स्तंभ को आप लोग सेम कर डाल रहे हो तो उसका मान भी 0 होगा, उसका मान भी 0 होगा, ये मैं बताया। अब ये हम लोग का लास्ट है संक्रिया, अब ये संक्रिया के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और अवयव और सारणिक में अंतर बताऊंगा, तो एक काम करते हैं ये संक्रिया मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, तो आप लोग देखो ये बताने वाला हूं मैं, क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या, इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर प्रैक्टिस यहाँ इसकी नहीं कर पाओगे तो जब जितना मैं पढ़ाया हूँ वो तो करके रखना। तो मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से मैं चालू करूंगा और अपन देखेंगे पूरा बेहतरीन ढंग से, पूरा 6 का 6 नंबर इस अध्याय में लेंगे, तब तक बच्चों पढ़ते लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।